आपको मिलवाते हैं और रूबरू करते हैं मेरे एक बेहतरीन स्टूडेंट से, मिस्टर सत्यम कुमार। हेलो दोस्तों, मेरा नाम सत्यम कुमार है। आई एम अ फर्स्ट ईयर MBBS स्टूडेंट एट GMC बेतिया। पहले तो सर, जब हम एग्जाम हॉल में घुसे तो इतना माइंड में था कि चलो कोई ना तो 640 नंबर तक तो आराम से मतलब आ जाएगा। लेकिन जब पेपर मिला, क्योंकि हम बायो का पेपर मतलब टेस्ट में 50 मिनट में आराम से कर लेते थे, और उस दिन पेपर भी बायो का लेंदी था, तो मतलब मेरा 55 मिनट बायो में ही लग गया करते करते। तो हम थोड़ा पैनिक हो गए कि अरे यार, बायो में 5 मिनट एक्स्ट्रा लग गया, फिर उधर फिजिक्स में भी टाइम मेकअप करना होगा। तो जैसे ही 5 मिनट एक्स्ट्रा होने के कारण जैसे ही मेरे अंदर पैनिक बटन दबा, हम थोड़ा पैनिक ज़्यादा हो गए। पर उसके कारण, जबकि केमिस्ट्री मेरा स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट होने के बावजूद भी मेरा उसमें सिली मिस्टेक, छोटा मोटा गलती जो नहीं होना चाहिए था, वो गलती हम उसमें कर दिए। फिर उसके बाद गलती तो अब हो ही गया है, तो उसके कारण अब पूरा पेपर तो बिगड़ जाएगा। थोड़ा अंदर से डर भी लगा, लेकिन बस एक मेरे मेंटर थे, बस वो बताए थे कुछ भी हो बस अपना ड्रीप ब्रेथ 5 मिनट के लिए ले लो, जितना प्रॉब्लम होगा सब अब्सॉर्ब हो जाएगा। 5 मिनट के लिए पेपर में डीप ब्रेथ लिए हम, फिर उसके बाद आराम से फिजिक्स को अप्रोच किए। फिजिक्स में आराम से 45 में से 42 क्वेश्चन करेक्ट किए। वेरी गुड। इस बार के एग्जामिनेशन में क्या क्या, तीनों का रेशियो क्या था आपके एग्जाम? बायो में कितना मार्क्स आपने ऑब्टेन किया? बायो में तो सर मेरा 310 था। 310। और केमिस्ट्री? केमिस्ट्री में 128। 128। और फिजिक्स? 166। फिजिक्स में आपने गर्दा मचा दिया। तो दोस्तों, अभी तक हम लोग को ये पता चला कि एग्जामिनेशन हॉल में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ की हमें काम रहना है और पैनिक नहीं आ पाए। पैनिक बटन जहां दबा, आपके बहुत सारे क्वेश्चंस गलती होंगे। जहां तक मुझे लगा कि अगर ये पैनिक नहीं होते तो 5 क्वेश्चंस इनको और ज़्यादातर सही होते, और 20 मार्क्स बढ़ने का मतलब है कि इनको पटना में इस पर ज़रूर मिलता सीट। तो थोड़ा सा इस बात पर ध्यान रखिएगा कि एग्जामिनेशन हॉल में सबसे ज़्यादा काम बहुत ज़्यादा जरूरी है, यानी शांत रहना। शांत रह के एक टाइम मैनेजमेंट कर लेना, कि टाइम मैनेजमेंट कर लीजिए कि मुझे इतने में, अगर थोड़ा बहुत आगे भागता है, क्योंकि देखिए कौन क्वेश्चंस किस टाइप से पूछे जा रहे हैं, शायद वही क्वेश्चंस का इस बार पैटर्न चेंज किया जाए। क्योंकि जहां तक मुझे पता चला कि इस बार के क्वेश्चंस में असर्शन और रीजन के में क्वेश्चंस में सर मेरा असर्शन रीजन क्वेश्चन गलत हो गया। एनिमल किंगडम से आया था, पहला स्टेटमेंट था कि ऑल वर्टेब्रेट्स आर कॉर्डेट, असल रीजन में था कि बट ऑल क्वाड्रेट्स आर नॉट वर्टेब्रेट, ऐसा करके एक क्वेश्चन था। जब हम असर्शन रीजन क्वेश्चन प्रैक्टिस करते थे एम्स का प्रीवियस ईयर में, तो पहला स्टेटमेंट वन में रहता था कि असर्शन एंड रीजन इज करेक्ट, एंड रीजन इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन, और जो डी ऑप्शन रहता था कि असर्शन इज नॉट ट्रू एंड रीजन इज नॉट ट्रू एंड नॉट एक्सप्लेनेशन। तो बट इस बार के एग्जाम में क्या हुआ कि डी वाले ऑप्शन को ए में कर दिया और ए वाले को डी में कर गया, और इस कारण से मेरा एक क्वेश्चन गलत हो गया, क्योंकि दोनों स्टेटमेंट सही था। हम वन टिक कर दिए, तो इसी कारण से ऑप्शन ऊपर नीचे कर दिया था होने के वजह से। तो ऑप्शंस के वजह से यहाँ पे मार्क्स भी गलती हुआ, क्योंकि देखिए शुरुआत से जो चीज़ हम लोग देखते आते हैं ना, वो हैबिचुअल हो जाता है। तो इनके माइंड में एक सेटअप थी बात कि ये ऑप्शंस यही होगा ये वाला, और जब इन्होंने टिक कर दिया और जब घर पर, अरे ये तो ऑप्शन ही गलत था, जा ये क्या हो गया। यानी इस बार कुछ नीट के पैटर्न में बदलाव किया गया था ऑप्शन वाइज में, जिसके वजह से कुछ बच्चे लोगों को खामियाजा भुगतना पड़ा, जबकि वो सही था, वो बहुत इजी क्वेश्चंस था, यहाँ पे बच्चे लोग गड़बड़। तो यहाँ पे कंसंट्रेशन की बातें हैं, NTA तो हमेशा अपना पैटर्न चेंज करेगी बच्चे लोग को IQ को लेवल को चेक करने के लिए कि क्या है। आखिर आप डॉक्टरी की पढ़ाई कर रहे हैं तो आपका एक प्रेजेंस ऑफ माइंड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें इन्होंने मिस्टेक बुक में लिखा था, लेकिन फिर भी मिस्टेक हो ही जाते हैं यार, इंसानी है तो मिस्टेक तो होना ही है। लेकिन उसके बावजूद भी कोई परेशानी नहीं, कोई दिक्कत नहीं, इन्होंने MBBS पाया। तो और सर मतलब इस बार का एग्जाम का ऐसा पैटर्न आ रहा है कि मतलब स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन ज्यादा आ रहा है। बिल्कुल, इसका प्रैक्टिस तो मेरा एलएन के टेस्ट में हो गया था। जब एलएन के टेस्ट में स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आता था तो लगता था क्या यार, क्या क्वेश्चन आ रहा है, ऐसा थोड़ी ना नीट में आएगा। लेकिन प्रैक्टिस हो गया था स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन करने का एलएन के टेस्ट में। जब नीट में आया वैसा क्वेश्चन तो तब लगता है कि नहीं यार, वहाँ टेस्ट में जो प्रैक्टिस होता था सही होता था। इसलिए अपनी ओर से डिसाइड नहीं करना है कि टेस्ट में ऐसा ही आना चाहिए, एग्जाम में भी ऐसा ही आएगा। पर सब तरीके से आप पढ़ते रहिए, जो मिले उसे हर एक सिचुएशन के लिए रेडी रहना है। तो स्टेटमेंट के क्वेश्चंस इस बार आए हैं रियली, और यही जो है बच्चे लोग को बहुत ज़्यादा कंफ्यूज किए हैं। एक वीडियो और भी मेरा आ चुका है, जैसे ही बच्चे लोग नीट का एग्ज़ाम दिए थे तो मैंने डाला है, वो वीडियो का आप लोगों पे बहुत प्यार भी मिला है, वो वीडियो आपने बहुत देखा है।
तो मैं चाहूँगा कि ये भी वीडियो को आप बिल्कुल देखें और मोटिवेट होए और 2023 के एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स से पास हों, और पास होने के बाद आप भी इसी तरीके से आए और मेरे साथ इंटरव्यू करें ताकि आप अपने जूनियर्स के बारे में कुछ बेहतरीन तरीके से उन्हें मोटिवेट कर सके और बता सके। तो दोस्तों, आज की इस फाइनल वीडियो में हम लोग यहीं पर रोकेंगे, और सत्यम को बहुत बहुत धन्यवाद और इनको दिल से कॉन्ग्रेचुलेशन कि ये आगे जाके एक बेहतरीन डॉक्टर बने और पूरी देश की सेवा करें, ठीक है? बिकॉज आई एम प्राउड ऑफ यू, और आपसे बिकॉज बहुत पुराना संबंध था और बहुत ही अच्छा लगा जब ये सक्सेस किए, और रियली हम लोग चाहते हैं, हम लोग का ड्रीम होता है कि आप लोग इसी तरीके से सक्सेस करते रहिए। तो दोस्तों, बहुत जल्द मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। बाय बाय, टेक केयर।